नमस्कार, मैं हूं नितिन अग्रवाल। स्वागत है आप सबका अग्रवाल किचन में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूं नमकीन चावल। बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से ये चावल हम बनाएंगे। और ये जब भी आपको ऐसा लगे कि भूख लग रही है और कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो ये सबसे आसान तरीका है और आसान चीज़ है बनाने के लिए और बहुत स्वादिष्ट ये बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले लेंगे हम 1 गिलास चावल। ये हमने अच्छे से धो करके रख लिए हैं इनको। और 2 आलू लिए हैं, उनको बारीक काटे हैं। 2 प्याज लिए हैं, वो भी हमने बारीक काटी है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हींग लेंगे और ये गरम मसाला। साथ ही लेंगे सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही हमें इसे बनाना है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। कुकर हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम तेल लेंगे, लगभग टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, एक बार इसको ऐसा फैला लेते हैं हल्का सा। तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे हींग, साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, एक बार इसको घुमा लेते हैं ऐसे हल्का सा। इसमें हम मिलाएंगे आलू जो हमने कटा रखे हुए थे। इसको चलाते हैं। अब चाहें तो सरसों के तेल की जगह में रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। साथ ही इसमें मिला लेंगे प्याज और चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी काट के मिला सकते हैं। इसे चला लेते हैं। इसमें आलू प्याज के साथ साथ अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है, आप गाजर डाल सकते हैं, मटर है तो मटर डाल सकते हैं, बहुत 2-3 सब्जी भी इसमें ऐड करके डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है जो बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से बन जाता है। चलिए आइए इसमें अब हल्दी पाउडर मिला लेते हैं, लगभग आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर और लगभग 1 टीस्पून भर के हम लेंगे धनिया पाउडर। एक बार इसको चला लेते हैं। मसाला आपस में अच्छे से मिल जाए। मसाला मिलने के बाद में इसमें हम मिला देंगे गरम मसाला, फिर से इसको चला लेंगे। कुछ अच्छे से मिल चुका है इसमें, और इसी में हम अब चावल मिला लेंगे। चावल डालने के बाद इसको हल्के से मिलाना है ताकि जो आलू और प्याज है और मसाला है वो चावलों में मिल जाए। ज़्यादा जोर से नहीं मिलाना है क्योंकि चावल टूटना नहीं चाहिए, हल्के हल्के हाथों से इनको मिलाना है। और इसमें अब हम पानी मिलाएंगे। दोस्तों, ये वाला ग्लास, ये ग्लास हमने लिया था चावल का, और नाप आपको बता दें कि अगर आप 1 गिलास चावल लेते हैं तो 2 गिलास भर के आपको पानी डालना है, यानी जितना आप चावल लेंगे उसका दुगना आपको पानी लेना है। तो हम पहले 1 गिलास मिला देते हैं। उसके बाद में दूसरा ग्लास भर के डाल देंगे। एक बार इस सबको चला लेते हैं।
नमक स्वाद अनुसार आपको लेना है, आप टीस्पून भी ले सकते हैं। अगर आपके 1 गिलास चावल है तो लगभग 1 चम्मच आपको भर के नमक लेना होगा। ये साधारण चम्मच है जो रेगुलर आप खाने में लेते हैं, ये भर के हम डालेंगे इसमें। ये हमारा नाप है, आप अपने हिसाब से जैसे आप कम ज्यादा खाना चाहते हैं वो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको एक बार चला देंगे। कुकर बंद कर देंगे। अभी आपको एक सीटी का इंतजार करना है। पहली सीटी आने के बाद में जब दूसरी सीटी आने लगेगी उस टाइम पे आपको बंद कर देना है, और प्रेशर निकलने तक कुकर को बंद ही रखना है। जब प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद में आपको कुकर खोलना है, तो आपका चावल जो है बंद करके तैयार हो चुका होगा। आपको फिर से मैं बता दूं, 2 सीटी इसमें आपको लेनी है, यानी पहला सीटी लेनी है और दूसरी जो सीटी प्रेशर बनेगा दूसरी सीटी का उसी टाइम पे आपको इसको बंद कर देना है। तो जब आप बंद कर देंगे जो प्रेशर है वो 5-6 मिनट में प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद में आपको कुकर खोलना है। तो हम अभी सीटी का इंतजार करते हैं, इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। प्रेशर पूरा निकल गया है, थोड़ा बहुत है वो हम इसको निकाल लेते हैं। कुकर खोल लेंगे अभी। थोड़ा मसाला जो है साइड में आ गया है तो उसको एक बार हल्के से चमचे से चला लेंगे, एक बार इसको मिक्स मिक्स कर लेते हैं चावलों को। बाकी आप चावल देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बन गए हैं। इसमें आप चाहें तो हरा धनिया वगैरह कुछ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और खाते टाइम ऊपर से 1 चमचा घी इसमें डाल दें। चलिए आइए अब चावल को प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा खिला खिला चावल बनाइए। पानी की मात्रा सही सीमित तरीके से डालें, क्योंकि आपको चावल जितना खिला बनेगा उतना ही उसमें स्वाद आएगा। अगर चावल घुटा थोड़ा भी घुट जाएगा तो स्वाद उतना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर चावल घुट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद आपका अच्छा ही आएगा। बाकी काम इसको रख देते हैं। दोस्तों नमकीन चावल बन करके तैयार है और बहुत अच्छे चावल ये बन गए हैं। आप भी चावल जरूर ट्राई करें। अग्रवाल किचन में हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।